लास्ट वीडियो में हमने 4.2 कंप्लीट कर ली थी, अब हम 4.2 से आगे कर बढ़कर मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। विविध प्रश्न हमारा एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, वैल्यू पूछी गई आपसे, एक डिटरमिनेंट है, वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट दिया है आपको कॉस 80 साइन 80 माइनस कॉस 10 एंड साइन 10। कॉस 80 साइन 80 माइनस कॉस 10 साइन 10, इसके वैल्यू हमें निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है इसका 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है हमारे पास -1, डी है कोई नहीं नन। सो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए डिटरमिनेंट लिया हमने डेल कॉस 80 माइनस कॉस 10 साइन 80 साइन 10, मल्टीप्लाई किया साइन 10 कॉस 80, बीच में माइनस साइन, देन आएगा आपके पास माइनस कॉस 10 एंड साइन 80। साइन 10 कॉस 80 माइनस माइनस कॉस 10 साइन 80, ये हमारे पास हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ये आइडेंटिटी होती है हम साइन ए प्लस बी की, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है। तो मैंने इसको लिखा साइन ए की जगह है 10, बी की जगह है 80, ये इक्वल हो गया साइन 90 के, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड को फैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो है उसके को फैक्टर निकालने हैं, प्रथम स्तंभ के सहखंड ज्ञात करने हैं। मैंने डेल लिया 5 23 -1। देखिए फर्स्ट कॉलम आपका कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है ये वाला, मार्क कर दीजिए इसे। इसका को फैक्टर निकालना है, सो ये एलिमेंट हुआ a11, ये पूरा कैंसिल हुआ -1, a21 को फैक्टर हम 3 का निकालेंगे, सो ये टोटल कैंसिल हुआ और हमारे पास आया 20। 2 + 1 3 ऑड आता है, और ऑड में जो हमारा साइन है वो चेंज होगा, सो ये -20 होगा। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, -1, -20। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको एक डिटरमिनेंट दिया डेल 1 2 3 4 5 6 1 2 4, और आपसे एक डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा वैल्यू आपसे पूछी डेल की टर्म्स में, आपको चार ऑप्शन दिए इसने। पहला ऑप्शन है -2 डेल, दूसरा ऑप्शन है बी 8 डेल, सी है आपके पास -8 डेल, एंड डी है -6 डेल। इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अच्छा मैंने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू डेल 1 है, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इनमें चारों में से कौन सी वैल्यू है, ये है ये है ये या ये। मैंने कंसीडर कर लिया इस वैल्यू को डेल 1। अब आप देखिए फर्स्ट रो में से कॉमन क्या रहा है, -2 कॉमन फ्रॉम R1, -2 फ्रॉम R2 एंड -2 फ्रॉम R3, तीनों से -2 कॉमन लिया, सो -2 आपके पास 3 बार कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद आपके पास फर्स्ट रो में बचेगा 1 2 3, सेकंड रो में 4 5 6, एंड थर्ड रो आपका होगा 1 2 4 इक्वल्स टू डेल 1।
माइनस टू का क्यू किया आपने, सो ये आएगा माइनस एट। ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 1 2 4, ये डेल के इक्वल है और यहां भी डेल होगा। सो आपके डेल वन की वैल्यू आ गई है माइनस एट डेल, डेल वन की जो वैल्यू है वो होगी माइनस एट डेल। सो आपका ऑप्शन नंबर सी माइनस एट डेल सही है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका एक एक डिटरमिनेंट को लेके चेक करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है सेम, और सिक्स मैंने एक एग्जांपल कराया हुआ है। सो मैं सेवंथ करा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर फिर भी इन तीनों में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब इकाई घनमूल। मैंने डेल लिया 1 ओमेगा 4 ओमेगा 8, ओमेगा 4 ओमेगा 8 1 ओमेगा 8 1 ओमेगा 4। मैंने आपको बताया था ओमेगा की पावर अगर 3 से ग्रेटर है तो उसमें आप 3 का डिवाइड कीजिए, जो भी पावर बचे वो लिख दीजिए। सो यहाँ पे मैंने 3 का डिवाइड किया, सो मेरे पास ओनली 1 पावर बचेगी, ओमेगा 1। यहां रहा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी ओमेगा की, एक तो ये कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। मेरा टारगेट 0 बनाना होता है और मुझे इजीली 0 मिल जाएगा। सो मैंने R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां मुझे मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। सो ऊपर वाली जो रो बनी है वो होगी 0 0 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। सो ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, इसलिए मैंने तीनों एलिमेंट को ऐड किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू 0 होती है। और 3 0 एक डिटरमिनेंट में अगर बन जाए, एक रो में या एक कॉलम में, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक डिटरमिनेंट है 4 1 2 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिया आपको 3 2 1 x माइनस x 3 माइनस 2 1। आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो 4 1 2 1 होल स्क्वायर 3 2 1 x माइनस x 3 माइनस 2 1। इसे सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 3x माइनस 2। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, x इंटू 1 x माइनस साइन, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, सो ये प्लस 6 हुआ। 4 माइनस 2 2 2 होल स्क्वायर 4, 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6 4, 3x माइनस x हुआ 2x, माइनस 2 माइनस 6 हुआ माइनस 8, 2x ये माइनस 8 ट्रांसफर किया सो प्लस 12 हो गया, एक्स हुआ आपके पास 12/2 6। ये 9 क्वेश्चन है, सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है आपके, 6 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 2 2 2। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा इसे डेल एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 2 2 2। मैंने ट्रिक अप्लाई किया है, आर वन को चेंज किया मैंने R1 प्लस R2। सो मुझे रो वन में पहला एलिमेंट मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड एक्स वाई 2 2 2।
अब मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया R1 से, टू मैंने कॉमन लिया R3 से, सो मुझे बाहर मिलेगा टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वन 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 जेड एक्स वाई वन वन वन। और आप जानते हैं अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो और यहाँ पे R1 R3 के इक्वल है, दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। सो टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो, सो ये टोटल जीरो आ गया आपके पास, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर आपका है 10th है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सॉल्व एक डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना आपको मतलब आपको इस डिटरमिनेंट से एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये कहता है यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी तो हमें ट्रिक यूज करनी होगी R1 माइनस R2, बट आप देखें तो ये इजी डिटरमिनेंट है, इजीली सॉल्व हो सकता है क्योंकि कहीं भी डबल एलिमेंट नहीं है। बनाने को मैं यहाँ डबल जीरो बना सकता हूँ कि C2 को चेंज करूँ C2 माइनस 2C1, बट उससे ये कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, एक्स माइनस 8 बन जाएगा। सो हम इसे इजीली एक्सपेंड कर देते हैं R1 के थ्रू, R1 के थ्रू अब मैंने एक्सपेंड किया, सो देखिए क्या आएगा यहाँ, वन एक्स 6 8 9 माइनस 2 4 6 7 9 प्लस 3 4 x 7 8 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई किया 9 x माइनस 48 टू 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 7 x। नाइन एक्स माइनस 48 माइनस 72, सॉरी 36 माइनस 42 माइनस 6 इंटू माइनस 2, सो ये हो गया प्लस 12, 64 माइनस 21 x इक्वल्स टू 0। 9 x माइनस 21 x, सो ये माइनस 12 x हो गया। 64 प्लस 12 76 माइनस 48 28 यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, यहां जो एलिमेंट आएगा वो 96 होगा, 3 × 32 96 होगा। सो 9 x माइनस 21 x होगा माइनस 12 x, 96 प्लस 12 माइनस 48, सो ये टोटल हो गया 60 इक्वल्स टू 0। 12 x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 60/12 5। देखिए डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, अगर हम यूज करके उसे टिपिकल बनाए तो कोई मतलब नहीं उनका। अच्छा लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि वीडियो बहुत कम देख रहे हैं और उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट ने ही वीडियो देखा है, सो मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ और वीक में 4 या 5 ही अपलोड कर रहा हूँ, आपका चैप्टर इजीली कंप्लीट हो रहा है। सो वीडियो आराम आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, और जो लोग अटेंडेंस समझ गए हैं कि आपको अटेंडेंस कैसे लगानी है तो आज अपनी अटेंडेंस लगाइए आप इस कोड के साथ, वीडियो देखिए जरूर। देखिए 13 क्वेश्चन, 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + c। आप देखिए वन जो है वो साइक्लिकली रोटेट हो रहा है, पहले रो वन में था, देन रो टू पे चले गया, देन रो थ्री पे चले गया। तो ट्रिक तो R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 + C2 + C3 वाली यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैंने बोर्ड सरफेस यूज किए, फॉन्ट बड़े रखे ताकि आपको इजीली देख पाए, आराम से समझ पाए, और उन्हें हर वीडियो के जो टाइमिंग रखी है वो मैंने 20 मिनट या 22 मिनट रखा है। ये नहीं कि आपको 30 30 मिनट की वीडियो, 35 35 मिनट की वीडियो बना के दिए, आप आराम से इनको देखो और 20 मिनट के वीडियो से आपके 5 या 6 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं।
और दो वीडियो, नेक्स्ट दो वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप तीनों चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। सो इनको लगातार देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं आराम से, आप दो दो बार देखकर समझ सकते हो उन्हें। मैंने यहाँ देखिए इसमें ट्रिक लगा दी है, कॉलम वन को चेंज किया, कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। सो वन प्लस ए ए ए, इसमें मुझे ऐड करना है एक तो कॉलम टू, प्लस बी प्लस वन प्लस बी प्लस बी, और एक ऐड करना है मुझे सी 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 वन प्लस सी, बाकी दो सेम रखने, बी वन प्लस बी बी सी सी वन प्लस सी। आप एलिमेंट ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या आया आपके पास, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 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 आपने कॉमन लिया सी वन से। सो आपको मिला यहाँ वन 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 बी सी, वन प्लस बी सी बी वन प्लस सी, डबल जीरो आपके इजीली बन रहा है। आपने आर वन को चेंज किया, आर वन माइनस आर टू, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वन माइनस वन जीरो, बी से बी कैंसिल, सो यहां आएगा माइनस वन जीरो, वन वन प्लस बी सी, वन बी वन प्लस सी। आप इसे आर वन के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे सॉल्व करना नहीं है, इसके लिए सॉल्व करना नहीं है, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर होगा आपके पास, इसके लिए सॉल्व करूंगा तो माइनस वन आएगा और एक माइनस और आएगा, वन सी वन वन प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वन प्लस सी माइनस सी, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डिटरमिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डेल लिया आपने, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी, माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी, माइनस सी स्क्वायर। कॉलम को देखिए, पहले कॉलम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए है, सो कॉलम वन से आपने ए कॉमन ले लिया, कॉलम टू से बी एंड कॉलम थ्री से सी कॉमन, कॉमन लेना है कॉलम वन से ए, कॉलम टू से बी और कॉलम थ्री से सी। सो ये ए बी सी आपको बाहर मिल गया, बचेगा क्या, पहले कॉलम में एक एक ए हटा दीजिए माइनस ए बी सी, दूसरे कॉलम में बी हटा दीजिए ए माइनस बी सी, तीसरे कॉलम से सी ए बी माइनस सी। अब आप रो को देखिए, पहली रो से आपको ए कॉमन मिल रहा है, आर वन से आपने लेना है ए, आर टू से लेना है बी एंड आर थ्री से आपको कॉमन लेना है सी। सो ए डबल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। अब आप जीरो बनाएंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो जीरो मिल जाएगा। मैंने रो वन को चेंज किया, रो वन प्लस रो टू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन एंड वन टू, वन माइनस वन 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 माइनस वन। और अब हम इसे आर वन के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, आर वन से मैंने एक्सपेंड किया तो मुझे इसके लिए सॉल्व नहीं करना, इसके लिए सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है। तो ये आएगा मेरे पास टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन माइनस वन वन वन, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन प्लस वन, टू एंड टू फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, 14th नंबर, 24 क्वेश्चन है, हम इसमें 14 कर चुके हैं। थैंक यू।